मीडिया को सब्सक्राइब करके द घंटी के आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप बीटेक के बाद पीएचडी करना चाहते हो, आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हो और अच्छा खासा स्टाइपेंड यानी कि 70,000 75,000 स्टाइपेंड पर मंथ पाना चाहते हो तो गवर्नमेंट ने आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबर लाई है। एक नई स्कीम लाई है जिसका नाम है PMRF प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, तो जिसके चलते आपको अच्छा खासा आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है और 70,000 के ऊपर का स्कॉलरशिप पर मंथ मिल सकता है। तो क्या है पूरी PMRF स्कीम, क्या है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जिसके कौन कौन से आईआईटीज है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PMRF के बारे में। PMRF यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जो भी स्टूडेंट्स ने आईआईटी में बीटेक किया है या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक किया है उनके लिए ये स्कीम लागू की गई है। जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो आईआईटी से बीटेक किए हैं उनको सीधा पीएचडी के लिए एडमिशन PMRF स्कीम के अंतर्गत मिल सकता है। सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसका जो है आपको मिनिमम 8 CGPA चाहिए। अगर किसी का भी 8 CGPA है तो उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। तो 3000 स्टूडेंट्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें आपको पहले दो साल के लिए जो है 70,000 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी और हर साल 2 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा रिसर्च का जो फंडिंग अवेलेबल होगा। अगर इसकी पूरी बात की जाए तो पर साल आपको कितना पैसा मिलने वाला है, पर मंथ 70,000 यानी कि एक साल के 8,40,000 प्लस 2 लाख रुपीज फॉर रिसर्च फंडिंग। तो आप अगर टोटल बात की जाए तो आपको 10,40,000 रुपये मिलने वाले हैं, जिसमें से 8,40,000 रुपीज जो है आपके स्कॉलरशिप के रहेंगे, 2 लाख रुपीज आपके फंडिंग के रहेंगे। उस सेकेंड ईयर में सेम 10,40,000 मिलने वाले, थर्ड ईयर में आपको 75,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको 80,000 रुपीज का स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसके लिए अभी एक ही बात है कि आप आईआईटी से, एनआईटी से, आईआईएससी से पास आउट होने चाहिए, आपका बीटेक आईआईटी से होना चाहिए या फिर अब एमटेक इंटीग्रेटेड जो कोर्सेस है वो आईआईटी एनआईटी से होने चाहिए, आपको पीएमआरएफ के लिए एडमिशन मिलेगा। इसमें और एक बात है दोस्तों कि जो भी सारे आईआईटी जो नोडल इंस्टीट्यूट रहेंगे दो साल के लिए, यानी कि अगर कंसिडर करते हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सपोज ये साल में आईआईटी दिल्ली नोडल इंस्टीट्यूट रहेगा मैकेनिकल के लिए, तो अगले 2 साल के बाद आईआईटी मुंबई भी नोडल इंस्टीट्यूट बन सकता है। तो 2 साल के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए एक नोडल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, उसके बाद वो चेंज होता जाएगा। और जिसका फायदा जो है गवर्नमेंट स्कीम क्यों लाना चाहती है, एक्चुअली स्कीम लॉन्च क्यों की जा रही है, क्योंकि लोग बच्चों जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनको आईआईटी के बाद ही अच्छे खासे कंपनीज में जॉब मिल जाता है और वो जॉब करने चले जाते हैं। और बहुत कम बच्चे है जो रिसर्च सेक्टर में आते हैं, जो इसका प्रॉब्लम जो है इंडिया के रिसर्च सेक्टर को होने जा रहा है, अच्छा रिसर्च नहीं बन पा रहा है। इसीलिए रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से एक अच्छा खासा स्टेप लिया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको 70,000 का अगर पैकेज या फिर स्टाइपेंड पर मंथ मिलता है तो आपके जॉब के बराबर ही है, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उसी के बराबर ही 50-60-70,000 के रुपीज के बीच ही आपका जो है एक पर मंथ का सैलरी होता है। और 70,000 प्लस अगर आपको आईआईटी से पीएचडी मिल रही है तो जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इसके चलते बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रिसर्च सेक्टर में आईआईटी में ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें से पहले 3000 स्टूडेंट्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जो भी ब्रिलियंट 3000 स्टूडेंट है वो उनके लिए स्कीम है। और इसमें और एक बात है कि अगर आपको 70,000 PMRF की अगर स्कीम चाहिए, 70,000-75,000 का अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप इन हाउस प्रोजेक्ट के लिए आपको PMRF की रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपका कोई इंडस्ट्री का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है तो आपको ये स्कीम बहुत ही जल्द मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के लिए स्कीम बहुत जल्दी जी जा रही है, इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा इंडस्ट्री स्पॉन्सर्स जो प्रोजेक्ट पीएचडी के उनको होने वाला है। अगर इतनी चीजें आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको आईआईटी में अच्छा से पीएचडी का डिग्री मिल जाएगा। तो यही बात आपसे शेयर करनी थी कि आईआईटी में जो PMRF स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर इसकी स्कीम को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे बहुत अच्छा अंडर PMRF आपका फ्यूचर बन सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।